नमस्कार, मैं हूं लक्षिका डागर। आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। दिल्ली नगर निगम चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही वैसे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तरी दिल्ली के मॉडल टाउन वार्ड में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बसीदर त्रिपाठी द्वारा पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने फूलमालाओं से उनका स्वागत भी किया। आम आदमी पार्टी द्वारा मॉडल टाउन वार्ड नंबर 77 के राजपुरा गुड़मंडी इलाके में बंशीधर त्रिपाठी के नेतृत्व में विशाल पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा का उद्देश्य आम आदमी पार्टी की नीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करना था। इसके अलावा आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार प्रसार भी करना था। आपको बता दें, मॉडल टाउन वार्ड से बंशीधर त्रिपाठी अपने आप को एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं। वार्ड में जगह जगह उनके होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि आने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में वह अपनी दावेदारी प्रबल रूप से पेश करेंगे। वहीं इस दौरान पदयात्रा में उनके साथ अनेकों कार्यकर्ता और क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। उनकी पदयात्रा सीसी कॉलोनी स्थित विधायक कार्यालय से शुरू होकर राजपुरा, गुड़मंडी आदि इलाकों की गलियों में निकली, जहाँ लोगों ने बंशीधर त्रिपाठी का फूलमालाओं से स्वागत किया, भविष्य में उन्हें सहयोग देने की बात कही। इस दौरान बंसी त्रिपाठी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना ही हमारा प्राथमिकता है, जिससे कि आने वाले नगर निगम चुनाव में जनता आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति जागरूक हो और निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को पुनः बहुमत से जीता कर लाए, ताकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम से भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त किया जा सके। पदयात्रा थी जो एमसीडी में भ्रष्टाचार चल रहा उसके खिलाफ थी। एमसीडी में एक बदलाव की जो लहर चल रही है आम आदमी पार्टी के, उसके साथ थी। लोकप्रिय विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी जी के नेतृत्व में और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सहयोग से आज मैंने एक पदयात्रा निकाला है, जिसमें लोगों का बहुत सहयोग मिला है मुझे। और मैं उम्मीद करता हूँ लोगों का प्यार ऐसे मेरे साथ बना रहेगा। अगर पार्टी मुझे आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार बनाती है तो मैं जनता की सेवा के लिए दिन रात तत्पर हूँ। इस उद्देश्य रहा है कि जो अभी एमसीडी में अब तक जो भाजपा का एक पूरा मतलब काला चिट्ठा रहा है, जो अब तक भ्रष्टाचार रहा है, उसके खिलाफ एक लोगों का मुहिम है, लोगों का रुझान है कि बदलाव होना चाहिए। और उसी बदलाव को ध्यान में रखकर
सड़क के नेतृत्व में एक पदयात्रा निकाली गई थी, जिसमें आप अगर आपने भीड़ देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोग किस तरह से इंटरेस्टेड है, किस तरह से अपना रुझान रखे हुए हैं। और केजरीवाल सरकार जिस तरह से आपको मतलब राज्य स्तर पर काम करी, उसी तरह से अब नगर निगम में भी भारी परिवर्तन होने वाला है और लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार मतलब यहाँ से पूरा एकदम मतलब आम आदमी पार्टी की लहर आने वाली है। यात्रा का उद्देश्य एमसीडी में जो बीजेपी का भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ जनसंघर्ष था और अखिलेश प्रदीप त्रिपाठी के नेतृत्व में बंसीधर अब की बार एमसीडी में जीत दर्ज करने जा रहे हैं। बेसिकली इस पदयात्रा का उद्देश्य ये था कि विगत वर्षों से जो भ्रष्टाचार है उससे मुक्ति दिलाना और सबसे मेन पॉइंट है कि जनसेवा, जनसेवा मुख्य इसका उद्देश्य था इस पदयात्रा का। नगर निगम चुनाव बहुत नजदीक है, क्या इसको लेकर भी पदयात्रा का उद्देश्य रहा? हाँ, इस पदयात्रा में यही बताया गया, जैसे हम लोगों ने घूमा तो गलियाँ देखी, ये सारी चीज़ें देखी, तो पहले बीजेपी की यहाँ सरकार थी एमसीडी में तो उसमें कुछ खास काम नहीं हुआ है, तो यही तो उद्देश्य था कि थोड़ा एक बार हमें भी मौका दिया जाए, हो सकता है हम इससे बहुत बेहतर कर सकें। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।